अरिहंता ॐ नमो अरिहंताणं ॐ नमो अरिहंताणं घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है शरण ले लो अरिहंतो का शरण ले लो अरिहंतो का क्यों करता अर्थ जमेला है ये प्रभु सिमरण की वेला है अरिहंताणं ॐ नमो अरिहंताणं नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग स्वदृतिनंग प्रभु स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब अमृत का पान कर रहे हैं उस प्रभु की वाणी को साधना को ज्ञान को क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं उनकी वाणी आज भी हमारे लिए मंगलकारी है कल्याणकारी है आनंद देने वाली है और संसार सागर से पार होने वाली है प्रभु की साधना को प्रभु के ज्ञान को प्रभु की वाणी को क्षमा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरध्यान सूत्र के रूप में शुभम मुनि के द्वारा आप उत्तरध्यान के सूत्र अध्ययन सुन रहे हैं आज सुना आपने मिर्गापुत्र कैसे वो मिर्गापुत्र को वैराग्य हुआ उस समय में कोई जरा सा दिखाई देता वैराग्य हो जाता था आपने सुना मिर्गापुत्र राजकुमार थे बहुत सी अपनी रानियों के साथ महलों में आमोद प्रमोद कर रहे थे गोराक्ष पर बैठे थे एक साधु को देखा और देखते देखते चिंतन चला जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि पहले भाव में भी मैं साधु था पहले भाव में मैंने कहाँ कहाँ भ्रमण किया नरक की यात्रा की सब किया और आके माता के सामने पिता के सामने कहने गए एकदम उत्कृष्ट वैराग्य आ जाता है सब त्याग वैराग्य और वितरागता तीन बातें हमने आपके सामने कभी कही है त्याग का अर्थ क्या होता है बोलिए त्याग किसे कहते हैं वैराग्य क्या है और वितरागता क्या है ये शब्द तीनों बहुत बार आपके सामने आए हुए हैं त्याग किसका त्याग क्रोध मान माया का त्याग और त्याग किसका त्याग मिथ्यात्व मिथ्यात्व क्या है जो है ही नहीं उसको अपना मान लेना और मोह उसके साथ चिपक जाना क्या आपका अपना क्या है जब आप देखें कि जिस शरीर को का मैंने जन्म लिया एक पहली बार शरीर मिला और शरीर को अपना मान लिया
देह को अपना माना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और इसके साथ ही मोह कर लिया, शरीर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, और पूरा जीवन लगा दिया। और बेटों को यही शिक्षा दी, उनको बड़ा किया, उनको विद्या अध्ययन करवाया, उनको व्यापार दिया या कोई नौकरी दी, और आखिर धीरे धीरे पूरा जीवन लगा देते। यह है मिथ्यात और मोह। मिथ्यात की जगह क्या हो गया, सम के सत्य को स्वीकार करो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। और मोह जो है, अनादिकाल से मोह ने संसार में हमें जकड़ रखा है। इस मोह को तोड़ने के लिए क्या करना, वीतरागता की ओर आना, त्याग, वैराग्य। जब वैराग्य आता है तो क्या होता है, जब वैराग्य आता है तो क्या आता है, आपके जीवन में कभी वैराग्य आया, आया कि नहीं आया, आया कितना का आया, थोड़ा थोड़ा आया, ज़्यादा नहीं आया, कितना का है? कभी आया, घर छोड़ के चले जाओ, क्या रखा है घर में, आता है जब परेशान हो जाते हो घर में, तब आता है क्या करना है घर में, रोज़ रोज़ खाना बनाना, रोटी करना, ये करना, क्या छोड़ो, ये वैराग्य नहीं है, इसको वैराग्य नहीं बोलते, ये तो पलायनता है। वैराग्य का मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं संसार में, क्या है संसार, कुछ नहीं चाहिए। जब किसी को वैराग्य हो जाता है तो समझता है मुझे कुछ भी नहीं, कुछ करना क्या है, क्योंकि मेरे पास अष्टगुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास है, मैं निराकार हूँ, मैं गुरु लघु हूँ, मेरा वजन नहीं, मैं आकार में नहीं, जो जो आकार है वो तुम्हारा है ही नहीं, ये मोह के कारण हमने पकड़ रखा है। तुम्हारा अपना क्या है, बोलो क्या है अपना, कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा अपना, जो बैठे हो, जिंदा हो, सांस ले रहे हो, क्या है अपना, जीवात्मा में क्या आपका अपना, जीवात्मा में आपका क्या है, बोलो मेहता जी आप बताओ, हैं, अष्टगुणों की संपदा, और क्या है आपका, जड़ जीव का भेद। जीवात्मा का मतलब ये आकार में जो निराकार तत्व है, वो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, वो तुम हो बस। पूरे शरीर में जो आकार है वो परिवर्तनशील है, वो बदलेगा, निश्चित बदलेगा, समाप्त होगा। जो जो आकार है दुनिया में, देखो कितने बड़े किले, महल, राजा, आपके द्वारा लाई हुई संपत्ति, या आपने गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, मकान खरीदा, आपने नए कपड़े खरीदे, वो 10 साल 20 साल के बाद वही कपड़े पुराने हो जाते हैं, और आपका शरीर 20 साल के बाद कितना बदल जाता है, और जिसको आप अपने माना बता बेटा कितना बदल जाता है, साथी कितने बदल, जो जो दुनिया में आकार है वो है परिवर्तनशील, वो क्षण भंगुर, वो मिटेगा बहेगा। आकार में निराकार, निराकार का मतलब है जो आपको दिखाई नहीं देता पर वो है, वो सत्य है, उसको अनुभव करने के लिए सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आपके भीतर जो आत्म प्रदेश है, आत्मा का स्पंदन है, जो शरीर के हर अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में, वो तुम हो बस, वो तुम हो, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं। वो है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, वेदना संवेदना उसके कारण होती है। जो चला गया जीव, उसको कोई वेदना संवेदना होती है, उसको भूख प्यास लगती है, नहीं लगती, काया को लगती है। और जैसे आप कुछ भी खाते हैं, उसका खून, मज्जा, रक्त बनता है। वो तुम हो जो तुम्हारे कारण सृष्टि चल रही। त्याग, वैराग्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वीतरागता का अर्थ क्या किया था हमने, बोलो, तीन बातें याद रखना,
यदि आपने संसार सागर से पार होना है, त्याग वैराग्य और वितरागता। वितरागता का अर्थ क्या करोगे? अष्टकर्म को तो सिद्ध गति हो गई आपकी। जब अष्टकर्म को क्षय कर दिया आपने, फिर तो अष्टगत सिद्ध गति हो गई। वितरागता चार कर्म क्षय कर दे तो केवल ज्ञान हो गया। चार कर्म क्षय करोगे तो केवल ज्ञान हो गया। ज्ञाता दृष्टा भाव वितरागता करते है ज्ञाता दृष्टा भाव। अरिहंत परमात्मा केवल जानते हैं और देखते हैं। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। इससे वितरागता बनती। वितराग भगवान अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, वो केवल सारे संसार को जानते और देखते हैं, कहीं हस्तक्षेप नहीं करते, कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। अरिहंत परमात्मा उद्बोधन देते हैं संसार सागर से लोगों को। इसलिए नमोथन अंग का पाठ अरिहंतों का है। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयिकानंग अरिहंत का है। सिद्ध जिनकी काया नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, बस केवल शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, वो केवल ज्ञाता दृष्टा भाव। जानो और देखो, जानो और देखो। बहुत कठिन है, थोड़ी सी बात हो जाती है तो हम मन में क्रिया प्रतिक्रिया हो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसमें ऐसा कुछ नहीं, तो लोगों को देख करके आपके भीतर आ जाता है। कोई आपके भीतर कोई कानों में शब्द डाल देता है, उसके क्रिया प्रतिक्रिया आ जाती है। तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। जीवन में एकदम नहीं होगा, माना एकदम नहीं होगा, कम से कम किसी की बात सुनो। सुनना ही नहीं, सबसे पहले जैसे ही हम सुनते हैं या तो वितरागवाणी सुनो। सुनना है तो क्या सुनो? वितरागवाणी, जो भगवान की वाणी है, उत्तराध्यान सूत्र है, या जो आपको अंतगण सूत्र, या जो अरिहंत की वाणी है, जो प्रभु ने वाणी, वो सुनो। बाकी निरर्थक बातें तेरी मेरी वो ते, ये सब क्या है? ये सब कर्म बंधन का कारण है, सब कर्म बंधन का कारण है। इसको निरर्थक छोड़ करके अपने भीतर आना और अपने स्वभाव में रहना। ज्ञाता दृष्टा भाव क्या हो गया? ज्ञाता दृष्टा का भाव क्या? अपने स्वभाव में रहना। त्याग वैराग्य वितरागता, ये संसार से पार होने का मार्ग है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रतिरूपता। अरिहंत परमा समक्त पराक्रम में परिरूपायनंग भन्ते जीवे किम जिनाई। हे भगवान, प्रतिरूपता से किस गुण की प्राप्ति होती? परिरूपता लाघव्यंग जनाई, प्रतिरूपता से लाभ लघुता की प्राप्ति होती है, हल्कापन लगता है। और साधुओं के उपकरणों की अल्पता के बारे में, प्रतिरूपता का अर्थ है स्थिर कल्पित साधु का वेश। जैसे हमारा जो वेश है, दिगंबर और सितंबर दो मुनि, एक है सचेल एक है अचेल, दो प्रकार के, जिन शासन की परंपरा में दो प्रकार के साधु होते हैं, सचेल और अचेल। सचेल का अर्थ है सवस्त्र, जिसके वस्त्र हैं। अचेल का अर्थ है जिनके वस्त्र नहीं, अवस्त्र, जो जिनकल्पी मुनि होते हैं, और सवस्त्र स्थौर कल्पी मुनि, जिनकी मर्यादा है, वस्त्र है, जिनकल्पी। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में दोनों प्रकार के मुनि होते हैं। साधना के क्लिष्टता की दृष्टि से जिनकल्पी मुनि की चर्या कठोर होती है, स्थरकल्पी मुनियों की चर्या अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। निश्चय ने देखो, एक व्यवहार ने एक निश्चय ने, दो साथ साथ चलते हैं। व्यवहार का मतलब है कि संसार में रहते हुए इस देह को ढकने के लिए कुछ चाहिए, कुछ मुनि कुछ नहीं लेते। सब जैसे भगवान महावीर, सभी तीर्थंकर भगवान जैसे राजकुमार थे, घर भर छोड़ा और सब छोड़ दिया, वस्त्र भी नहीं रखा। इंद्र ने वस्त्र दिया, वो भी छोड़ दिया। ऐसे तीर्थंकर भगवान के अंदर में एक सचेल एक अचेल। सचेल का मतलब वस्त्र के साथ, अचेल का मतलब बिना वस्त्र। दो तरह के मुनि होते हैं। और निश्चय ऐसे ज्ञान दर्शन चरित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग।
द राइट परसेप्शन, द राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, दिस थ्री आर ज्वेल्स इन जर्नलिज्म दैट लीड टू द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड। साधु का वेश विन्यास, उसके द्वारा आप साधु को देख करके, जैसे दूर से साधु को देखते आप तो क्या करते, आपके हाथ जुड़ जाते, आप नमन कर देते, आप सबको नमन नहीं करते। साधु का वेश के द्वारा, जैसे आज हमारे पास ये वेश है, मान लीजिए हम वेश को नकार दें या वेश को ना रखें तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हो सकता है आप अपमान कर दें, हो सकता है आप घर में ना बुलाएं, हो सकता है आप भिक्षा भी ना दें, हो सकता है कुछ भी कर सकते। साधु का वेश एक संयम की रक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी हो, संयम की रक्षा साधु का वेश होता है। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों में दोनों प्रकार के मुनि थे, सचेल भी थे अचेल भी थे, और जो मुनि अचेल थे वो वस्त्र रखते नहीं, जनकल्पी मुनि, एक सर्वल्प मुनि, जनकल्पी मुनि ने दीक्षा ले ली तो पीछे देखते नहीं थे, जो हो गया जैसा हो गया। आपने देखा सुभद्रा, जिनकल्पी मुनि सुभद्रा के घर पधारे तो जिनकल्पी मुनि थे तो उनकी आंखों में तिनका लगा था और आंखों से नीर बह रहा था। जिनकल्पी मुनि कभी भी उपचार नहीं करते, दवा नहीं लेते, जो होगा देखा जाएगा। जैसे मिर्गा पुत्र के बारे में कहा, उसकी माँ ने कहा मिर्गावती ने कि बेटे कौन तुम्हारा इलाज करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, तो मिर्गा पुत्र ने कहा माता मृग जैसे ही बीमार होता है जंगल में चला जाता है और नदी के किनारे बैठ जाता है, वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और जब ठीक हो जाता है तो घास चर लेता है, नदी का पानी पी लेता है, ऐसे बीमार आ गया तो को हो गया। उस समय साधु इलाज भी नहीं करवाते थे, उच्च कोटि के साधु तो जिन कल्पी मुनि होते हैं वो इलाज भी नहीं करवाते। और वैसे तो इलाज करवाना नहीं चाहिए, परंतु पंचम काल है, आज के ज़माने में ऐसी बीमारियां भी है और हमारी सहन शक्ति भी इतनी नहीं है, पहले इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, आज देखो कितना कितना हॉस्पिटल बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई, ऐसी बीमारियां निकल के आती हैं कि कुछ एक सहन शक्ति भी नहीं रही। जो भी बीमारी आई मूलतः आपका और मेरा कर्म है, वो कर्म प्रकट आया। कर्म कहाँ से निकलता है, शरीर पर आता है, 3.5 हाथ की काया में जो भी कर्म आएगा आपके शरीर पर आएगा, और शरीर पर जो कर्म आता है यदि आप समता से सहन कर लेते हैं। आप देखते हैं बहुत से मुनियों को साधुओं को कैंसर तक रोग हो जाता है और शांति से उसको सहन कर लेते, शांति से सहन कर लेते, कितने कर्मों की निद्रा होती है, वो कैसे कर लेते हैं, वो भेद विज्ञान के द्वारा। भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद, ये बहुत बड़ा विज्ञान, साइंस ऑफ डिटैचमेंट, नॉन डूइंग, जो भगवान सिमंदर स्वामी प्रभु ने इस पंचम काल में दिया है। कुछ भी करो भेद विज्ञान करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, दो अलग अलग कर दो, आप चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा, देखो आपकी साधना भी होगी, आपका भेद ज्ञान पुष्ट हो गया, और किसी ने आपकी निंदा कर दी ये तो बेकार किसी काम का नहीं, तो आप झगड़ा करोगे, क्रोध करोगे, करो शरीर को कहा है मैं शरीर हूँ ही नहीं, शरीर तो नाशवान है, कोई प्रशंसा करता है कोई निंदा करता है कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए ऐसा सुना था ऐसा सुना था, आप तुम्हारे कितने कर्म कर रहा होगे। भेद ज्ञान के द्वारा कोई कष्ट आ गया रोग आ गया, भेद ज्ञान करो, तपस्या कर रहे यार, देखो मनीषा जी मांस खमन कर रहे, आज 26 उपवास हो गए, और जैसे जैसे साधना नज़दीक आती है उस समय बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होते हैं, कष्ट किसके, अपने ही कर्म जो जन्मों जन्मों से बांधे हैं वो निकल करके आते हैं, और साधक उस समय क्षमता से शांति से स्वीकार कर ले तो सारे कष्ट दूर हो जाते। तो तप, जो 12 प्रकार का तप, अनशन में मांस खमन करना आसान नहीं, बहुत कठिन। हमारे एक अनिल शर्मा जी ने, मेहता जी ने मांस खमन किया, दूसरा मनीषा जी कर रहे हैं, और भी बहुत से मांस खमन हुए, परंतु यहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, एक शुरुआत में किया आपने, एक अंत चतुर्मास में चल रहा है, और आपकी उच्च भावना ने किया, हमने प्रेरणा नहीं दी कि मांस खमन करो, हम सब सहज में कहते हैं मैं नहीं कर सकता, अभी मैं क्यों कहूँ मांस खमन करो, जब मैं खुद ही नहीं कर सकता तो कैसे कह सकता मांस खमन करो, मैं कहूँ करूँ तो तभी मैं कह सकता हूँ,
हाँ कोई करे हम उसकी अनुमोदना जरूर करते हैं। निश्चित बहुत कठिन है। देखो व्रत के ऊपर बेला, बेले के ऊपर तेला, तेले के ऊपर चौला, पंचौला, जितना जितना तप बढ़ता है उतने उतने अनंत 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 कर्मों की नजरा होती। और भगवान महावीर के समय तो बेले बेले पारना करते थे, और भगवान चार चार महीने कैसे खड़े रहते थे, एक महीना, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, अभिग्रह किया गए, मिल गया नहीं तो आ गया। तो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, इतना भेद विज्ञान बढ़ेगा उतना आपकी साधना उच्च कोटि की होगी। तो जो मैं बात कर रहा था प्रतिरूपता का, कि साधु का वेश महत्वपूर्ण होता है। 24 तीर्थंकरों के शासन में भी भगवान ऋषभ जैसे भगवान महावीर भी सचेल मुनियों का निर्धारित वस्त्र होता था श्वेत, और भगवान अजितनाथ से भगवान पार्श्वनाथ तक सब प्रकार के कपड़े वो पहन लेते थे, कीमती हो, रंगीन हो, बहुमूल्यवान हो, वो ले लेते थे। क्यों ले लेते थे? वो सरल थे, ऋजु थे, जो दे दिया ले लिया। और वह प्रतिक्रमण भी हर रोज नहीं करते थे, जब दोष लगा प्रतिक्रमण। और भगवान ऋषभदेव से भगवान माँ जो पहले और अंतिम तीर्थंकर के जो जीव हैं, साधु हैं, वो क्या होते हैं? वक्र होते हैं, मूढ़ होते हैं, और एक बात को समझते नहीं, बार 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 उसको कहना पड़ता है। तो उस समय भगवान ने वस्त्र सफ़ेद वस्त्र का निर्धारित किया कि आपने सफ़ेद वस्त्र ही करने हैं। तो आपने देखा कि जब इंद्रभूति गौतम और आए थे, किशी कुमार ने चर्चा हुई कि आपके वस्त्र ऐसे है, उन्होंने बताया, चर्चा हुई, बहुत लंबी बात है। इस कारण हम देखते हैं कि साधु का वेश पवित्र वेश होता है, कि मैं साधु हूँ। कई बार परिचय उपसर्ग के कारण, किसी अन्य के कारण साधु का चित्त संयम पर से विचलित हो जाए तो वो उन मार्ग में नहीं जा सकते। जैसे आप, आपका मन चाहे आप कहीं चले जाओ, कोई रोक सकता है आपको? विदेशों में जाओ, गाड़ी में जाओ, कहीं जाओ, कुछ खाओ, कहीं पियो, सिनेमा में जाओ, कुछ भी करो, हम जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? मर्यादा है, वेश है। और ऐसा एक लगता है कि कोई देख लेगा तो क्या होगा, चाहे ना भी देखे, मतलब अंतर का भाव ही नहीं आता कि हम बाजार चले जाएं, कुछ कर लें। एक साधु का जो वेश है बहुत मर्यादा होती है, संयम की रक्षा के लिए होता है, और एक पवित्र भी। देखो एक कपड़े का भी अपना ढंग, आप सफ़ेद कपड़े पहन करके समाई करो, साधना करो, उसका और ही एक औरा हो जाता है। आप रंगीन कपड़े पहनो, लाल कपड़े, काले कपड़े, पीले कपड़े, आपका चित्त चंचल हो जाएगा। वस्तु का भी अपना प्रभाव होता है। तो देखते हैं कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा हो जाता है। एक अनुश्रुति है कि अकबर ने परिश्रम के दिनों में अमारी घोषित की। अमारी का अर्थ है जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया अकबर ने, कि परिश्रम के दिन में कोई जीव हत्या नहीं करेगा। इस घोषणा को जानते हुए एक मछेरा यमुना में मछलियों को पकड़ने लगा, जाल बिछाया। संयोग के संध्या के समय अकबर बादशाह भी उधर से आने लगे। उस मछेरे ने देखा कि बादशाह सामने आ गया, बड़ा भयभीत हो गया कि बादशाह ने तो कंट्रोल किया। उसने क्या किया, अपना जो जाल लगाया था वहीं छोड़ दिया, और मिट्टी थी भस्म ऊपर लगा ली, और साधु बन के ध्यान करने लग गया। तो अकबर ने देखा ये तो साधु है, साधु है, तो अकबर ने उनको नमस्कार किया, अकबर चले गए। उस मछली ने कहा कि मैं तो बच गया, मैं तो मछलियाँ पकड़ता था, अकबर ने आकर के मुझे नमस्कार किया। तो उसने सोचा कि जब मैं नकली था, नकली बनने पर भी मुझे एक सम्राट, एक बादशाह नमस्कार करता है, यदि मैं असली रूप ले लूँ तो क्या हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, साधु बन गया। देखो कहाँ मछेरा मछलियाँ पकड़ रहा था, जाल बिछा दिया था, अकबर को देखा, देख करके भयभीत हुआ और जाल वहीं छोड़ दिया, और वहीं बैठ करके मिट्टी लगा ली और बैठ करके साधु बन करके ध्यान करने लगा। और ध्यान करने लगा, अकबर ने देखा तो साधु है, कोई भी होता है साधु को देख करके नमस्कार करने लग जाते हैं। देखा
तो उसने सोचा हो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि साधु का वेश बहुत बार बच सकते हैं आप लोग। जैसे आप समय करते हैं, देखो समय करते करते कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, आपको कोई आवाज आती है, कोई कहल आती है, आप कहते मेरी समय का भाई, अब उस समय आप डर रहते हैं तो बहुत लाभ होता है, क्योंकि समय की है कुछ भी हो जाए। इसलिए समय एक छोटी देर का है, साधु की जाव जीव की समय को होती है। आप देखते हैं प्रसन्नानंद राज ऋषि जब वो मुनि बन गया और सैनिकों ने कहा कि देखो अपने बेटे को छोड़ करके मुनि बन गया, और उधर से युद्ध होने लगा, उसने देखा कि बेटे युद्ध हो रहा है, मन ही मन कल्पना करने लगा कि युद्ध करने लगा, सेना आ गई मेरी सेना, मन ही मन करने लग गया, युद्ध हो गया, बहुत युद्ध हो गया। भगवान से पूछा राजा चिरेनक ने कि भंते ये मुनि कहाँ जाएंगे, सारी कहानी आपने सुनी है, मैं कहानी की चर्चा नहीं करता। जब उस मुनि ने प्रश्नचंद्र राज ऋषि ने भगवान से, भगवान कहता सातवीं नरक में जाएगा। देखो ध्यान करते करते भगवान इतने क्लिष्ट कर्म बांध लिए, युद्ध करने लगा, मारने लगा, तो सातवीं नरक में। धीरे धीरे जब उसने सोचा कि सेना को मैं मारूं, अपना हाथ सिर पर रखा, तो मैं तो मुनि हूँ, सिर पर रखा तो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुनि के वेश को देख करके उनको प्रायश्चित हुआ, आलोचना प्रायश्चित करता है। इसलिए आपको भगवान बार बार कहते हैं तप ना कर सको कोई बात नहीं, यदि आपके जीवन में आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित का बहुत गहरा महत्व है, उस समय से आलोचना की प्रतिक्रमण की, ओहो मैं युद्ध करने लगा, मैं सेना तैयार कर दी, मैं कितना अनर्थ कर दिया, कितने लोगों को मार दिया, मन ही मन प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रम करते हैं। धीरे धीरे सातवीं छठी पांचवीं चौथी पाँचवीं और देहदुंध बजी, मोक्ष चला गया। कहाँ मोक्ष और कहाँ सातवीं नरक, मन ही मन देखो व्यक्ति कैसे कर्म का बंद कर ले। कहने का अर्थ तो वो मुनि था, ऊपर हाथ उठाया और सिर तो देखा गंजा, मैं तो मुनि हूँ मैं क्या कर रहा था। तो हम देखते हैं ऐसा कुछ भी होता है तो रक्षा हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि साधु भी बन जाए, परंतु साधु बनने के बाद भी अरे आसक्ति रहेगी किसी के प्रति, आसक्ति आसक्ति कितना बंधन कर देती है। बुद्ध के शासन में घटना है, तिष्यगुप्त भिक्षु था, चतुर्मास पूरा होने के बाद कोई भी भिक्षा के लिए उनको चादर देते हैं, कमंडलू देते हैं, भिक्षा का पात्र देते हैं, तो जब वो भिक्षु गांव में तिष्यगुप्त विहार करने लगा तो किसी ने उनको मोटी चादर भेंट की। मोटी चादर अब वो इनकार भी नहीं कर सकता, जैसे कई बार आप हमें चीज़ देते हैं हमें पसंद नहीं आती तो हम ले लेते हैं। तो उसकी बहन भी पास में खड़ी थी, तो बहन को पता था कि भाई को ये चादर पसंद नहीं आई, तो बहन ने कहा अच्छा, उसने बहन को दे दी, वो चले गए। अब बहन ने, पुराना ज़माना था कोई फैक्ट्री लगी नहीं थी, उसको कूटा पीटा, तार निकाले और एक बढ़िया चादर बना दी, जैसे आज का हो पश्मीना का हो, कश्मीरी का पश्मीना लेके आते हैं, बहुत मुलायम होता है, बढ़िया होता है, ऐसे बढ़िया चादर बना दी। और भिक्षु इंतज़ार करने लगा, जब इंतज़ार हुआ बहन ने उसको दे दी, बहन बहुत खुश हुआ कि चादर बढ़िया थी। चादर ले करके वो, अब कोई बढ़िया कपड़ा हो तो क्या करते हैं आप, कब पहनते हो, कब पहनते हो, जब कोई आपके घर में नए नए लोग आए हो, जहाँ कोई त्यौहार हो, जहाँ कोई शादी हो, उस समय सारे कपड़े निकाल लेते हो, गहने भी निकाल लेते हो, कपड़े भी निकाल लेते हो, वैसे घर में तो वैसे ही रहते हो जैसे आम रहते ही, कोई कपड़ा पहन लिया नहीं पहन लिया क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके मन में विचार आया, ये चादर तो बहुत बढ़िया, मैं कैसे पहनूँगा, किस समय पहनूँगा। अब उस समय भिक्षु, अब कोई अलग अलग कमरे थोड़ा होते थे, एक बहुत बड़ा छप्पर होता था, भिक्षु नीचे लाइन में बैठ करके वो विश्राम करते थे,
अब उस भिक्षु ने भी सोचा, अब चादर उसके पास है, कहते कब पहनूंगा, ऐसी चादर तो भगवान बुद्ध के पास भी नहीं होगी, मैं दिखाऊंगा, भिक्षु देखेंगे, पूछेंगे, जैसे आप भी जाते ना, साड़ी बड़ी आकृति, बहन साड़ी कहाँ से लाए, साड़ी कहाँ से लाए, चाहे आप ध्यान भी कर रहे हो, ध्यान कहाँ जाता है, साड़ी की तरफ, साड़ी कहाँ से लाए। तो उसने कहा मुनि पूछेंगे, फिर मैं बताऊंगा, ऐसे पहनूंगा, बड़े सपने संजोता है, बड़े सपने संजोता है, और रात भर चादर को संभाल के रखता है कि कोई चोरी ना ले जाए, अब कोई कीमती चीज़ होता तो आपको लगता है कोई चोर ना ले जाए। उसने अपना जहाँ सोया था अपने पास रखी, टटोल के देखता ही है चादर है ना, चादर है ना। तो सुबह देखा उसकी मौत हो जाती, रात को चला गया, तिश्या गुप्त की मौत हो गई, मौत हो गई। तो सुबह जब वो चादर लेने लगे, भगवान के पास गए कि प्रभो भंते तिश्य गुप्त भिक्षु की मौत हो गई, तो चादर जो बढ़िया थी, जैसे खोलने लगे तो चादर में वो चीला छोटा सा जीव वो फड़फड़ाने लगा। तो भगवान के पास गए, जो कपड़े होते हैं वो सब दे देते हैं किसी को, जब वो चला ही गया तो कमंडलू है, पात्र है, वस्त्र है। तो बुद्ध ने कहा अभी रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो, 7 दिन के बाद इसको खोलना। तो 7 दिन के बाद पूछा बुद्ध से, तो बुद्ध ने कहा देखो वो तिश्य भिक्षु की उस चादर के प्रति आसक्ति थी, आसक्ति थी, मल करके क्या बना, वो चीलर बना, जू जिसे कहते हैं, छोटा सा जीव बन गया। साधु भिक्षु और चादर के प्रति इतनी आसक्ति, इतनी ममता कि मर करके वो चादर में चला गया। जिसकी जिसके प्रति आसक्ति होती है वहीं जाते थे। आप कई बार देखते हैं राजा महाराजा युद्ध लड़ते हैं और धन हीरे जवाहरात इकट्ठे करते हैं और मर जाते हैं, और वही राजा महाराजा मर करके बड़े बड़े सांप बन जाते हैं और खजानों पर वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको आसक्ति होती है, खजाना लूटा होता है, ना वो देते हैं ना वो कर सकते हैं। ऐसे ही उसको भिक्षु को जब उन्होंने देखा, बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध ने कि देखो भिक्षु कभी किसी की बात पर आसक्ति नहीं करना, वो तिश्य गुप्त भिक्षु को इतनी आसक्ति थी चादर के प्रति, वो सपने कई बार आप देखते हैं, आपके मन देखना किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या कोई विचार आपके मन में आ गया, वो सारी रात घूमता रहता है सपने में, वही विचारों में वही, पता नहीं हम कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। इसलिए चाहे कैसी वस्तु हो, छोटी हो बड़ी हो, मर करके वो चीलर बना, चीलर का मतलब छोटा सा जूं बना वो, और चादर में 7 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है, फिर वो चादर दी जाती है। तो यह आसक्ति, भिक्षु आसक्ति में आ गया तो चीलर बन जाता है। तो हम देखते हैं जीवन में साधु का वेश आत्मगुणों का संप्रेक्षक होता है, हम भी साधु के वेश को महत्व दें। आप भी जब सामायिक करते हैं तो अलग कपड़े रखते हैं, अलग पहनते हैं, सिंपल कपड़े पहनते, वेश का महत्व है, और निश्चय नए में तो ज्ञान दर्शन चरित्र का मतलब है। आपके भीतर दृष्टि हो, ज्ञान हो, साधना हो, उससे ही जीवन उच्च माना जाता है। तो यही जो प्रतिरूपता की बात है कि समान स्तर कल्पी का जिन कल्पी मुनि तो कपड़े रखते नहीं, वैसे ही रहते हैं, स्तर कल्पी मुनि के कपड़े होते हैं। तो कपड़ों का भी, वस्त्र का, विन्यास का, और अंतिम जो आपकी अंतर की स्थिति है क्या है, अंतर की जो स्थिति होती है उससे ही कर्मों का बंधन होता है। चाहे आप साधु बन जाओ, चाहे आप गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में रह करके भी बहुत व्यक्ति ऊंचा उड़ जाता है साधु की तरह, और साधु कई ऐसे होते हैं जो गृहस्थ भी निकृष्ट हो जाते हैं, और कई गृहस्थ ऐसे होते हैं जो साधुओं से ऊपर होते हैं। भगवान कहते हैं कि दोनों का एक संबंध है, साधु और श्रावक एक अम्मा पीर। आपको भगवान ने अम्मा पीरों की भूमिका, कि श्रावक कौन होता है, माता पिता के समान होता है। जैसे माता पिता अपने बेटे की रक्षा करता है,
ऐसे आप साधु की रक्षा करते हो, साधु को आहार देते हो, भोजन देते हो, आदर देते हो, मान देते हो, और साधु को कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप खुद नहीं खाते, खुद नहीं देते, बेटे को नहीं देते, खुद नहीं खाओगे, साधु को देते हो। तो ये एक भगवान ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका एक तीर्थ है, और चारों ही तीर्थ मोक्ष के अधिकारी हैं, और चारों ही तीर्थ अपने अपने क्षेत्र में रह करके बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, सेवा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आप जीवात्मा हैं, आकार में निराकार आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार, मैं जीवात्मा, दो तत्व जुदा जुदा हैं। आकार में वेदना है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, परिवर्तनशील है, आकार का जन्म है, मरण है, मृत्यु है, निराकार अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, सबके प्रति मंगल की कामना करेंगे। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, नमन करें हम
धर्म को धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तव देवावितंग नमंग संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं लोकं